हेलो फ्रेंड्स, मैं नमो। आज मैं बनाऊंगी पिज्जा, चीज ब्रस्ट पिज्जा और सारी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल के पिज्जा बनाएंगे। घर पे बनाएंगे, बिना माइक्रोवेव के कढ़ाई में बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पिज्जा बनाने के लिए चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके घर में ऐसी कोई पुरानी सी कढ़ाई हो उसे ले लें। आप ये नॉन स्टिकी लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसमें नमक डाल के पिज्जा हम बनाएंगे तो आपकी नॉन स्टिकी कढ़ाई खराब हो जाएगी, इसलिए आप ऐसी कोई कढ़ाई हो घर पे पुरानी उसे ले लें। तो ये कढ़ाई लेंगे और फिर क्या क्या सामान मैंने लिया है वो मैं बता देती हूँ। चीज ब्रस्ट पिज्जा है तो आपके जो जो फेवरेट चीज है आप सारे ले लें। अमूल ब्रांड का चीज मैंने लिया है, एक तो चीज स्प्रेड लिया है अमूल ब्रांड का ही, एक चेडा चीज लिया है अमूल ब्रांड का, मोजरेला चीज लिया है। ये चेडा चीज और अमूल ब्रांड के मोजरेला चीज घिसे हुए आते हैं। अमूल ब्रांड का मोजरेला चीज और ये चेडा चीज, अगर आपको ये दो अलग अलग नहीं लेना है तो फिर आप ब्रिटानिया का चीजा ले लें एक ही, वो दोनों उसमें मिक्स रहता है तो आ जाएगा। और आपको पिज्जा में जो जो वेजिटेबल्स पसंद है आप सारे ले लें। मैंने ऑनियन लिया है, इस साइज में काट लिया है, टमाटो लिए हैं, कैरेट लिया है, कुकुम्बर लिया है, टूटी फ्रूटी लिया है मैंने ग्रीन कलर का एंड रेड कलर का, कैप्सिकम लिया है, कॉर्न लिया है और चीज तो लिया ही है। और लिया है मैंने ये सेजवान सॉस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, अदरक लहसुन वाला टेस्ट रहता है बहुत अच्छा। पिज्जा सॉस लिया है मैंने, बटर लिया है मैंने, रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस लिया है मैंने और टोमेटो केचप लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पिज्जा बेस मैंने घर पे बनाया है। आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं लेकिन घर पे बनाएंगे तो वो हाइजेनिक भी रहेगा। अगर आपको भी पिज्जा बेस घर पे बनाना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जाके पिज्जा बेस बनाने की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास पिज्जा बनाने के लिए इस तरह की पिज्जा प्लेट है तो वो ले, नहीं तो नॉर्मल प्लेट जो आप घर पे यूज करते हैं उसे भी ले लें। देख सकते हैं आप मैंने पिज्जा बेस कितने अच्छे से बेला है। इसको ये प्लेट से थोड़ा बड़ा रखना है आपको, हल्का सा बड़ा रखना है 1 इंच। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके रख लेते हैं ताकि उठाते बने इजली हमसे, ऐसे रख लेते हैं। अब तक हम कढ़ाई में ऐसे नमक डाल लेते हैं, नमक थोड़ा ज्यादा डालें आप। कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया है, अब इसको फ्लेम हाई करके और ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तब तक अब हम अपना पिज्जा रेडी कर लेते हैं। अब इस प्लेट पे हम बटर लगा लेते हैं, ऐसे इसमें इसको पिज्जा बेस को रखेंगे और इसे ऐसे अनफोल्ड करना है आपको, ऐसे इजली अनफोल्ड हो जाएगा। इसे प्रॉपर चारों तरफ ऐसे फैला लेना है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे नॉक कर लेना है, नहीं तो क्या है ये पिज्जा बेस पूरी तरह से फूल आएगा। देख सकते हैं आप मैंने इसमें कितनी अच्छी तरह से नॉक नॉक कर लिया है। अब ये जो मैंने अमूल ब्रांड का चीज स्प्रेड लिया था इसमें अच्छी तरह से लगा लेते हैं। यहाँ से प्लेट है तो 1 इंच दूर से ही फैलाएं, नहीं तो क्या है बह बह के बाहर आ जाएगी ये। अब ये जो मैंने पिज्जा बेस बनाया था इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। इसमें सेजवान सॉस डाल लेते हैं, पिज्जा सॉस डाल लेते हैं, रेड चिली सॉस डाल लेते हैं, थोड़ा टमाटो सॉस डाल लेते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे सारे फ्लेवर एक साथ मिक्स हो जाएंगे। 3 चिली सॉस डाल लेते हैं, इसे आप ऐसे रहने दें वो अपने आप ही पिघल के साइड में आ जाएगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं चीज, ज्यादा साइड में नहीं डालें नहीं तो ये पिघलेगी भी। मोजरेला चीज डाल लेते हैं और ये थोड़ा चेडा चीज भी डाल लेते हैं। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, कैरेट भी डालते हैं, थोड़ा कॉर्न इधर भी डाल लेते हैं, ऐसे डाल ले। आपको जो जो वेजिटेबल्स पसंद हैं जितनी सारी, अब ये ऑनियंस को ऐसे रख लेते हैं, जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप सारी डाल सकते हैं। ऐसे एक ग्लास में पानी लेंगे, इधर साइड साइड में पानी लगा लेंगे अच्छी तरह से, ये जो इसका बेस साइड में बढ़ा हुआ था इसमें पानी को लगाएंगे अच्छी तरह से। और अब इसे इस वाले पिज्जा बेस के साथ चिपका लेना है अच्छी तरह से, ऐसे। अभी इसे मैंने अच्छी तरह से चिपका लिया है, अब इसके ऊपर फिर से चीज डाल देते हैं। इसमें ऐसे ऊपर से भी सारी चीजें ऐसे फैला दें, थोड़ा सा इसे ऊपर से ऐसे गार्निश कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हम हमारे पिज्जे को बना लेते हैं। तो जो इधर नमक गर्म होने के लिए रखा था हमने, आइए उस नमक को देख लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये गर्म हो गया है। अब इसमें कोई उथला हुआ या तो ऐसे प्लेट रख दें नहीं तो ऐसी कटोरी रख दें। ये मैंने ऐसे प्लेट रख दिया है,
इसमें अच्छी तरह से इसको रख देते हैं ऐसे। ये हमने कढ़ाई में इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये साइड साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, ऐसे स्पेस छोड़ दें इसको हवा घूमने के लिए। और अब इसको अच्छी तरह से ढक देते हैं किसी ऐसे बर्तन में, आप चाहें तो पेपर फॉइल स्टील का लगा लें। फ्लेम को मीडियम करके 10 से 15 मिनट के लिए अब इसको छोड़ देना है। 12 से 13 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे देख लेते हैं। वाह, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये बन गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं, सेफ्टी से निकालें, जले नहीं आप। 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें क्योंकि चीज भी बहुत गर्म होगी, चीज तो बहुत ज्यादा गर्म होगी, मेल्ट होगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप चीज ब्रस्ट पिज्जा कितना अच्छा बना हुआ है, कट भी गया है। देख सकते हैं आप हमारा पिज्जा कितना अच्छा तैयार है। अगर आपको हमारी ये कढ़ाई पिज्जा की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पिज्जा बेस ऐसे घर पे बनाना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जाके पिज्जा बेस बनाने की वीडियो देख सकते हैं।